एक महीने में तेरी शादी है, लेकिन पेट क्यों फूल रहा है तेरा? वो माँ आजकल बाहर ज्यादा खा रही हो ना, इसीलिए शायद ब्लोटिंग हो रही है। क्यों खा रही है बाहर? अपनी तबीयत का ध्यान रखा कर। ये बोलते हुए अंजलि की माँ चली गई। अंजलि की जान में जान आई। अंजलि तुरंत घर से बाहर निकली और अपनी सहेली टीना के घर चली गई। टीना, आज मैं तुझे एक सच बताती हूँ, किसी ना किसी को तो बताना ही था। अरे बोल अंजलि, बात क्या है, इतनी घबराई हुई क्यों है तू? अंजलि ने टीना का हाथ लिया और अपने पेट पर रख दिया। टीना को कुछ महसूस हुआ और वो घबरा गई। अरे ये क्या, अंदर कोई लात मार रहा है। अंदर मेरा बच्चा है, मैं मोटी नहीं हुई हूँ, मैं पेट से हूँ। टीना के सर पर जैसे आसमान गिर पड़ा। ये सब क्या बोल रही है तू, कितने महीने हो गए? 8 महीने। 1 महीने में तेरी शादी है अंजलि, इसका मतलब शादी के समय पर ही तेरी डिलीवरी होगी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इस बच्चे का बाप कौन है? वो मैं तुझे नहीं बता सकती, तू बस मेरा साथ दे, मुझे इस बच्चे को छुपा कर रखना है। टीना ने दोस्ती की खातिर अंजलि का साथ देने का वादा कर दिया। 1 महीना बीत गया और शादी वाला दिन आ गया। शाम होने को थी और बारात बस आने ही वाली थी। अंजलि टीना के साथ कमरे के अंदर शादी का जोड़ा हाथ में लेकर बैठी थी, तभी उसके पेट में अचानक से दर्द शुरू हो गया। आ टीना, बहुत दर्द हो रहा है पेट में, आ लगता है पेट फट जाएगा। हे भगवान, ये तो प्रसव पीड़ा है, लगता है अभी तेरी डिलीवरी होगी। कुंडी लगा दे टीना, कैसे भी करके इस बात को छुपा कर रखना पड़ेगा। टीना ने कुंडी लगा दी। अंजलि प्रसव पीड़ा से तड़पने लगी कि तभी उसकी माँ ने दरवाजे पर दस्तक दी। अरे दरवाजा खोल बेटी, क्या कर रही है कुंडी लगाकर? वो आंटी जी, अंजलि शादी का जोड़ा पहन रही है। अच्छा ठीक है बेटी, जल्दी से तैयार हो जा और 1 घंटे में बारात आ जाएगी। ये बोलकर उसकी माँ चली गई। अंजलि को दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन वो खुलकर चिल्ला भी नहीं पा रही थी। अंजलि ने एक बच्ची को जन्म दिया। अंजलि, तूने तो बिल्कुल एक परी जैसी बच्ची को जन्म दिया है। मेरे पास कुछ दवाइयां, इन्हें खा ले और जल्दी से तैयार हो जा, बारात पहुंचने वाली है। बाकी तू मुझ पर छोड़ दे, मैं सब संभाल लूंगी। थैंक यू सो मच टीना। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस देवी जैसी बेटी का बाप कौन है? अंजलि ने टीना को एक बात बतानी शुरू की। दरअसल आज से कुछ महीने पहले अंजलि कॉलेज जा रही थी। बस छूट जाने के कारण उसे पैदल चलना पड़ रहा था। वो मन ही मन शिवजी से प्रार्थना कर रही थी। हे शिवजी, मुझे अमीर बना दो, नहीं तो किसी अमीर लड़के से मेरी शादी करवा दो। अंजलि लालची थी और शिवजी से बस पैसा ही मांगती रहती थी। अंजलि चल रही थी, तभी उसने एक भिखारिन को प्रसव पीड़ा से तड़पते हुए देखा। आ मेरा पेट फट रहा है, मुझे पानी पिला दो, गला सूख रहा है। उसका पति उसे संभाल रहा था। सामने अंजलि को देखकर उसके पति ने कहा, मैडम मेरी बीबी मर जाएगी, गर्भवती है बेचारी, थोड़ा पानी देंगी? मैं क्यों दूं पानी, भिखारी होकर बच्चे पैदा कर रहे हो, शर्म नहीं है तुम लोगों को? अंजलि ने उस भिखारी और भिखारिन का अपमान किया। अंजलि ये सब टीना को बता ही रही थी कि तभी एक बार फिर से उसकी माँ ने दरवाजा खटखटाया। अरे बेटा बारात आ गई, कितना सजेगी तू, जल्दी बाहर आ। अंजलि को जल्दी से तैयार होना पड़ा। टीना, मैं तुझे बाकी का किस्सा कभी और बताऊंगी। ठीक है, अब जल्दी से अपनी बेटी को दूध पिला दे, पहला आहार माँ का दूध जरूरी होता है। अंजलि ने बड़े ही प्यार से अपनी बेटी को देखा, उसने उसे अपना दूध पिलाया। थोड़ी देर बाद उसकी बेटी रोने लगी। अंजलि घबरा गई। तू घबरा मत, बाहर कितना शोर शराबा है कि इसके रोने की आवाज बाहर तक नहीं जा सकती। तो अब वक्त आ गया अंजलि के बाहर जाने का। मैंने इसे दूध पिलाकर सुला दिया है, तू इस कमरे में किसी को भी मत आने देना और बार बार आकर इसे देखती रहना। बाकी विदाई के वक्त बताती हूँ कि तुझे क्या करना है। तो इस तरह से अंजलि की शादी की सभी रस्में होने लगी, पर उसका सारा ध्यान अपनी बच्ची पर ही बना रहा। सुबह विदाई का वक्त आ गया। अंजलि अपने कमरे में गई, उसने अपनी बच्ची को दूध पिलाकर सुला दिया। टीना, मैं अपनी बच्ची से अलग नहीं रह सकती और ना ही मैं इसके बारे में किसी को बता सकती हूँ, मैं किसी तरह इसे अपने साथ ले जाऊंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन ससुराल जाने से पहले इसके बाप का नाम बताकर जा मुझे, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। टीना ने एक बड़े से बैग में अपनी बच्ची को छुपा लिया और अपने ससुराल आ गई। स्कूल पहुंचते ही सबसे पहले वो अपने कमरे में पहुंची। उसने झट से दरवाजा बंद किया और अपनी बच्ची को बैग से बाहर निकाला। बच्ची मुस्कुरा रही थी। मुझे माफ कर देना मेरी रानी, मेरी वजह से तुझे ये सारी तकलीफें झेलनी पड़ी। उसने जल्दी से अपनी बच्ची को दूध पिलाकर सुला दिया। इतने में उसकी सास ने दरवाजा खटखटाया। अंजलि डर गई, क्योंकि अब यहाँ उसकी मदद करने के लिए उसकी सहेली टीना भी नहीं थी।
बहू जल्दी से तैयार हो जा, सारे मेहमान आ चुके हैं, मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है। बस 5 मिनट में आई माँ जी। अंजलि ने अपनी बच्ची को अलमारी के अंदर एक छोटा सा बिस्तर बनाकर सुला दिया। ये जगह ठीक रहेगी, यहाँ मेरी बच्ची सांस भी लेती रहेगी और मच्छर भी नहीं काटेंगे। अपनी बच्ची को अलमारी में सुला कर वो बाहर आ गई और मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो गई। रस्म खत्म होने के बाद वो फिर से कमरे में आ गई। उसने अलमारी खोली तो बच्ची हंस हंस कर खेल रही थी। अंजलि ने उसे दूध पिलाया। रात में उसने उसे फिर से सुला दिया और अलमारी में ही छुपा दिया, क्योंकि रात को उसकी पहली रसोई की रस्म भी थी। बहू तो आपको बहुत अच्छी मिली है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, अब बस इंतजार है कि आपको दादी बनते देखना। मुझे भी जल्दी से दादी बनना है बहू। अंजलि कुछ नहीं बोली। बेचारी शर्मा आ गई। तो इस तरह जब भी कमरे में कोई नहीं होता तब अंजलि अपनी बच्ची के साथ खेलती और दूध पिलाती। जैसे ही कोई आ जाता या उसे बुला लेता, वैसे ही वो अपनी बेटी को अलमारी में छुपाकर चली जाती। अगली सुबह अंजलि का पति नहाकर बाथरूम से निकला और सीधा उस अलमारी के पास पहुंच गया जिस अलमारी में अंजलि की बेटी थी। वो अलमारी को खोलने ही वाला था कि तभी बीच में अंजलि आ गई। अरे अंजलि, सामने से हटो, मुझे अपने कपड़े लेने हैं, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अब आप कुंवारे नहीं रहे जो आप अपना काम खुद करेंगे, मैं हूँ ना आपकी सेवा में। आप रुकिए, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। ठीक है अंजलि, तुम जल्दी से कपड़े निकाल दो, तब तक मैं बाल झाड़ लेता हूँ। शादी की वजह से एक हफ्ते से ऑफिस नहीं जा पाया, आज जाना था लेकिन शायद लेट हो जाएगा। अंजलि का पति जैसे ही वहाँ से हटा, वैसे ही उसकी जान में जान आई। उसने कपड़े निकाल कर अपने पति को दे दिए। उसने अपने पति को नाश्ता दिया। उसका प्यार और सेवा भाव देख कर उसका पति बहुत खुश हुआ। खैर, वो ऑफिस चला गया। अब जल्दी से अपनी बेटी को जाकर देखती हूँ। अंजलि भागकर अपने कमरे में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद उसने अलमारी से अपनी बेटी को निकाला, उसे दूध पिलाया और उसके साथ खेलने लगी। बेटी मुझे माफ कर देना, मैं तेरे पिता के बारे में या तेरे बारे में किसी को नहीं बता सकती, कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। अंजलि बार बार कमरे से निकल कर कुछ न कुछ काम भी करती रहती थी ताकि किसी को जरा सा भी शक ना हो। शाम के वक्त वो किचन में खाना बना रही थी। बहू, आज रात के खाने में क्या बनाने वाली है तू? माँ जी, जो आप कहें मैं वो बना दूंगी। तुझे पालक पनीर बनाना आता है? हाँ माँ जी, बहुत अच्छा बना लेती हूँ मैं पालक पनीर। ठीक है, तो पालक पनीर ही बना दे, अगर किसी मदद की जरूरत हो तो बोल देना। नहीं माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं सब कर लूंगी। उसकी सास वहाँ से जाने लगी कि तभी अचानक अंजलि की बेटी रोने लगी। अब अंजलि के पसीने छूट गए। अब उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तेरे कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। माँ जी, वो मेरा फोन बज रहा होगा, मेरे फोन की रिंगटोन है वो। ऐसी रिंगटोन कौन लगाता है? माँ जी, उस दिन आपने कहा था ना कि आपको दादी बनना है, उसी बात को खुद को याद दिलाने के लिए मैंने बच्चे की रोने वाली रिंगटोन लगा रखी है। अरे वाह, लगता है जल्द ही तू मुझे दादी बना देगी। अब जल्दी से अपना फोन उठा वरना बजता ही रहेगा, मैं जाकर टीवी देखती हूँ। हाँ हाँ, आप जाइए। उसकी सास वहां से चली गई। अंजलि ने एक गहरी सांस ली और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद वो भागकर सीधा अपने कमरे में चली गई। उसने अपनी बेटी को गोद में लिया और दूध पिलाया, तब जाकर वो शांत हुई। हे भोलेनाथ, बस मेरी बच्ची को और मुझे ऐसे ही बचाए रखना। तो ये अब अंजलि का रोज का काम हो गया। ऐसा करते करते एक साल बीत गया। बहू, तू तो मुझे दादी बनाने वाली थी, एक साल बीत गया अभी तक कुछ नहीं हुआ। माँ, आप परेशान मत होइए, हम आज ही डॉक्टर के पास जाएंगे। अंजलि अपने पति के साथ डॉक्टर के पास चली गई। देखिए, मैंने इनकी जांच की, ये माँ बन सकती हैं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, वैसे भी इससे पहले भी तो ये माँ बन चुकी है ना। अंजलि का पति ये सुनकर हैरान हो गया। उधर दूसरी तरफ अंजलि की बेटी परेशान हो रही थी, उसकी माँ अभी तक घर नहीं लौटी थी। वो माँ को ढूंढते हुए अलमारी से निकलकर रेंगते हुए कमरे से बाहर आ गई। उसकी सास ने उसकी बच्ची को देख लिया। इतने में अंजलि और उसका पति भी घर आ गए। सारी सच्चाई जानने के बाद उसके पति और सास ने मिलकर अंजलि और उसकी बेटी को खूब मारा। बोल, कौन है इसका बाप, वरना जान ले लूंगा। मार खाते खाते अंजलि की छोटी सी बच्ची मर गई। अरे मार डाला, मेरी बेटी को मार डाला। हे भोलेनाथ, मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ। किसी को ये पता ही नहीं था कि उस बच्ची का बाप कौन था। अंजलि अपनी मरी हुई बेटी को लेकर शिवजी की मूर्ति के सामने चली गई और फूट फूट कर रोने लगी।
मेरे गुनाहों की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए शिव जी, इसे बचा लीजिए। तभी भगवान भोलेनाथ वहाँ स्वयं प्रकट हो गए। आज तुझे अकल आई मूर्ख, मुझे माफ कर दीजिए और सबको बता दीजिए कि इस बच्ची का पिता कौन है। मैं हूँ इसका पिता, ये मेरी बेटी है। सभी हैरान हो गए। शिवजी ने बताना शुरू किया। दरअसल शिवजी और माता पार्वती भिखारी और भिखारिन के रूप में अंजलि की परीक्षा लेने आए थे, लेकिन अंजलि ने दोनों का अपमान कर दिया था। तभी शिवजी और माता पार्वती अपने असली रूप में आ गए थे। मूर्ख, तू खुद एक औरत है और दूसरी गर्भवती औरतों का अपमान करती है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, शादी से पहले ही तू माँ बन जाएगी। ऐसे ही अंजलि गर्भवती हो गई थी। उसे उसके किए की सजा मिल चुकी थी, इसीलिए अब शिवजी ने उस बच्ची को फिर से जिंदा कर दिया और कहा, ये मेरी पुत्री है, इसका ख्याल रखना। इतना कहकर भोलेनाथ वहाँ से गायब हो गए। इसके बाद उसकी सास और पति ने अंजलि और उसकी बेटी से माफी मांगी। अब अंजलि अपनी बेटी के साथ खुलकर सबके साथ खुशी खुशी रहने लगी। अर्चना की शादी होने वाली थी, लड़का भी पसंद आ गया था, अब बस कुंडली मिलाने की बारी थी। लड़के वाले और लड़की वाले एक साथ बैठे हुए थे और पंडित जी कुंडली मिला रहे थे। ये क्या, ये तो घोर अमंगल है। ये सुनकर सभी चौंक गए। लड़के की माँ ने पूछा, क्या बात है पंडित जी, क्या हो गया? लड़की मांगलिक है, आपके बेटे के साथ इस लड़की की शादी हुई तो आपका बेटा मर जाएगा। अरे ये क्या कह रहे हैं आप पंडित जी, मर जाएगा मतलब? मर जाएगा मतलब मर जाएगा। ये सुनकर अर्चना की माँ भी चिंता में पड़ गई। बहुत मुश्किल से ये लड़का पसंद आया था, नहीं तो अर्चना को एक भी लड़का पसंद नहीं आ रहा था। अर्चना की माँ सुजाता ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी ठीक से देखिए ना एक बार, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता का क्या मतलब है, पंडित जी ने बोला है तो सही होगा। मैं ऐसी बेटी के साथ मेरे बेटे की शादी नहीं करवा सकती। चल बेटा किसी और लड़की से शादी कर लेंगे। वो लोग उठकर जाने ही वाले थे कि तभी पंडित जी ने कहा, एक मिनट रुक जाइए, इसका एक तोड़ है। अच्छा क्या तोड़ है, बोलिए ना पंडित जी, हम कुछ भी करेंगे। देखिए मांगलिक बेटी की शादी पहले एक पेड़ से करवानी पड़ेगी, उससे जान जाने का जो रिस्क है वो उस पेड़ पर चला जाएगा। उसके बाद अर्चना बिटिया और राहुल बाबा की शादी बेझिझक हो सकती है। ये सुनकर सबकी जान में जान आई, खासकर राहुल के। राहुल को अर्चना बहुत ज्यादा पसंद आई थी। ये सुनने के बाद राहुल ने अर्चना की तरफ देखकर हंस दिया। अर्चना भी शर्मा गई। ठीक है पंडित जी, मैं पेड़ से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, इस गांव में एक बरगद का पेड़ है, वो पेड़ बहुत पुराना है, मरने ही वाला है, उसी से अर्चना बिटिया की शादी करवा देते हैं। हाँ हाँ, कल का मुहूर्त बहुत शुभ है शादी के लिए, कल ही हो जाए शादी। अर्चना के घर में हलचल मच गई। अगले दिन पेड़ के साथ उसकी शादी होने वाली थी। राहुल और उसकी माँ घर लौट गए। अगले दिन सुबह सुबह अर्चना सज धज कर तैयार हो गई और बरगद के पेड़ के पास चली गई। पंडित जी वहाँ पहले से ही अर्चना का इंतजार कर रहे थे। आओ बेटी आओ, जल्दी से यह शादी निपटा देता हूँ। अर्चना ने बरगद के पेड़ का चक्कर लगाकर फेरे लिए। उसके बाद उसकी शादी उस पेड़ के साथ हो गई। अर्चना की माँ सुजाता भी वहीं मौजूद थी। पंडित जी ने सुजाता से कहा, बहन जी आज अर्चना बिटिया पूरा दिन कमरे के अंदर ही रहेगी, कोई उसके कमरे में नहीं घुसेगा, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। खाना वाना उसके कमरे के अंदर ही रख देना, एकदम कल सुबह ही आप लोग अर्चना बिटिया का चेहरा देख सकेंगे। ठीक है पंडित जी, बेटी की जिंदगी का सवाल है, आज उसके कमरे में कोई नहीं घुसेगा। अर्चना अपने कमरे में घुस गई। सुजाता ने कमरे के अंदर ही पूरे दिन का खाना दे दिया और सुजाता ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अभी खाने का मन नहीं हो रहा, नींद आ रही है, सो जाती हूँ। अर्चना सो गई। शादी के लिए उसे सुबह जल्दी उठना पड़ा था, उसकी आंख लग गई, लेकिन कुछ ही देर बाद खाना चबाने की आवाज से उसकी नींद टूट गई। अरे ये खाना चबाने की आवाज कहाँ से आ रही है, आवाज तो कमरे के अंदर से ही आ रही है। अर्चना उठ गई और उसने जो देखा उससे तो उसके होश ही उड़ गए। कमरे में टेबल पर खाना रखा हुआ था। उसने देखा कि एक उसी की उम्र का लड़का कुर्सी पर बैठकर
टेबल से खाना लेकर खा रहा था। डर के मारे अर्चना के रोंगटे खड़े हो गए। कौन हो तुम? अर्चना बहुत डरी हुई थी। वो किसी को बुला भी नहीं सकती थी क्योंकि पंडित जी ने मना किया था। अर्चना को ऐसे देखकर उस लड़के ने कहा, अरे उठ गई तुम? तुम सोई हुई थी इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए खाना खाने लग गया। कितने दिनों बाद खा रहा हूँ ये सब। 100 साल तो हो ही गए होंगे। 100 साल? कौन हो तुम? कमरे के अंदर कैसे आए? कमरे का दरवाजा तो बंद है। मेरे आने जाने के लिए दरवाजे का खुला रहना जरूरी नहीं है। मेरा नाम मनोज है। डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मनोज? मैं किसी मनोज को नहीं जानती। जानोगी कैसे? जब मैं मरा था तब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। अर्चना और ज्यादा डरने लगी और डर के मारे उसके आंसू निकल गए। मर गए थे? मतलब तुम भूत हो क्या? हाँ, मैं आत्मा हूँ और तुमने कुछ देर पहले मुझसे ही शादी की है। मतलब सुनो फिर। मनोज अर्चना से सब कुछ कहने लगा। इसी इलाके में आज से 100 साल पहले मनोज रहता था। वो साधारण घर का लड़का था। स्कूल पास करने के बाद उसे एक दुकान में नौकरी मिल गई थी। वो दुकान में बैठकर हिसाब किताब करता। एक दिन दुकान पर एक लड़की आई। उस लड़की का नाम रेखा था। रेखा बहुत सुंदर थी। रेखा को देखते ही मनोज उसके प्यार में पागल हो गया। अरे ये लड़की तो बेहद सुंदर है, अप्सरा है अप्सरा। रेखा को भी मनोज पसंद आया। रेखा हर रोज कुछ ना कुछ लेने के बहाने दुकान पर आने लगी। एक दिन मनोज ने हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रेखा है, जमींदार की बेटी हूँ। अच्छा, जमींदार की बेटी होकर रोज खुद दुकान पर आती हो? नौकर चाकर नहीं है क्या? हाँ नौकर तो है, लेकिन मुझे इस दुकान पर आना अच्छा लगता है। वो क्यों? क्योंकि मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। अब तो मनोज भी शर्मा गया और उसके बाद मनोज और रेखा का चक्कर चलने लगा। एक दिन रेखा ने मनोज से कहा, मनोज मेरे घर वाले कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो ना, भागकर शादी कर लेते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन तुम मेरे गरीब खाने में रह सकोगी ना? हाँ मनोज, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। दोनों ने भाग कर शादी का प्लान किया। अगले दिन मनोज शादी के जोड़े में मंदिर के बाहर रेखा का इंतजार करने लगा, लेकिन उधर घर से निकलते वक्त रेखा पकड़ी गई। उसके बैग के अंदर से शादी का जोड़ा मिला और उसके पिता को सब कुछ पता चल गया। जमींदार की बेटी होके तू उस गरीब नौकर से शादी करने चली थी? हाँ, मैं मनोज से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी। नहीं, तेरी शादी मैं करवाऊंगा। मैं शादी नहीं करूँगी किसी और से। मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं मनोज के सिवा किसी और से शादी नहीं करूँगी। अच्छा, ऐसी बात है? तुझे मेरी इज्जत का कोई परवाह नहीं है? ठीक है, तो फिर तू मर जा। ये बोलकर रेखा के पिता ने रेखा को मार डाला और अपने गुंडों को लेकर मंदिर के बाहर चला आया। वहाँ मनोज खड़ा था। मनोज डरकर भागा नहीं, वो डटकर वही खड़ा रहा, लेकिन जमींदार के गुंडों ने उसे भी मार डाला और उसी बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया। इतनी देर से ये कहानी सुनते सुनते अर्चना की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैं उसी पेड़ में फंस गया। उस पेड़ के अंदर मेरी आत्मा फंस गई। मुझे मुक्ति नहीं मिली और प्यार भी नहीं मिला। आज तुमने पेड़ से शादी की और मैं पेड़ से आजाद हो गया, लेकिन अभी भी मुझे मुक्ति नहीं मिली। और अगर मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी तो तुम्हें भी मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि शादी तो तुमने पेड़ से की है लेकिन पेड़ के अंदर मैं था। इसका मतलब तुमने असल में शादी मुझसे की है। और तुम्हें कैसे मुक्ति मिलेगी? मैं अधूरा हूँ, मुझे प्यार की भूख है और प्यार मुझे रेखा से ही मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि रेखा को मार के उन लोगों ने कहाँ दफनाया था। वो भी बेचारी कहीं पर अटकी हुई होगी। तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगी? हाँ जरूर, दो प्यार करने वालों को मिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो दिन कमरे में बैठकर ही गुजर गया। मनोज को सिर्फ अर्चना देख सकती थी। अगले दिन सुबह सुबह अर्चना और मनोज घर से निकल गए। कहाँ जा रही है बेटी?
राहुल और उसकी माँ आने वाले हैं। शादी की डेट फाइनल करनी है। आप लोग कर लो माँ, मुझे जरूरी काम है। मनोज के साथ वो निकल गई। वो दोनों इधर उधर रेखा की आत्मा को ढूंढने लगे, लेकिन 100 साल पुरानी बात किसे याद थी। पूरा दिन ढूंढने के बाद भी उन दोनों को कुछ नहीं मिला। अर्चना घर वापस आ गई। 3 दिन बाद उसकी शादी फाइनल हो गई, लेकिन जब तक रेखा नहीं मिल जाती तब तक अर्चना की भी शादी नहीं हो सकती थी। अगले दिन भी वो दोनों ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। सुजाता उदास होकर घर पर बैठ गई और रात को उसके दिमाग में कुछ आया। अच्छा, और रेखा जी को घर के अंदर ही मारा गया था ना? हाँ, क्यों? ये भी तो हो सकता है कि घर के आसपास ही उन्हें दफनाया गया हो, या फिर घर के आंगन में। हाँ, ये भी हो सकता है। ये तो मैंने सोचा भी नहीं, फालतू में पेड़ों पर ढूंढ रहा था। लेकिन जमींदार का घर कहाँ था? सुना था एक भूकंप में सब कुछ बिखर गया था। हाँ, मुझे पता है जमींदार का घर किधर है, चलो। वो दोनों एक जगह पर आए, जंगल के बीच में। उसी जगह पर जमींदार का घर हुआ करता था। वहाँ पहुँच कर मनोज जोर जोर से पुकारने लगा, रेखा कहाँ हो तुम, यहाँ हो क्या? तभी एक पेड़ से जवाब आया, मैं यहाँ हूँ मनोज, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मनोज को देखकर रेखा पेड़ में से निकल आई। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और दोनों को मुक्ति मिल गई। अर्चना को भी मनोज से मुक्ति मिल गई और अगले दिन राहुल के साथ उसने शादी की और खुशी खुशी ससुराल चली गई। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।